एवरीवन, माय नेम इज नमो कॉल फ्रॉम एन एकेडमी जेई यूट्यूब चैनल। मैं बताना चाहता हूँ, काफ़ी सारा अनरेस्ट है अभी बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स में, बिकॉज सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेई मेन का जो पेपर होगा, पहला अटेम्प्ट होगा, वो अप्रैल में होगा, बिकॉज किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था और बहुत लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। बट आई विल गिव यू द की हाईलाइट्स जो आई है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। पहले की हाईलाइट्स देख लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन और जो जस्टिस कैंपेन है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जल्दी से इसको ध्यान से देखो। तो यार, जेई मेन 2023 की डेट्स बाहर आ चुकी है। की हाईलाइट नंबर वन, पहला अटेम्प्ट आपका 24 जनवरी से 31 जनवरी है। सेकेंड अटेम्प्ट आपका 6 अप्रैल से 12 अप्रैल है ना। तो यार ये तो ठीक है, बट ये बहुत अर्ली आ गया है। उसके अलावा आपका जो रजिस्ट्रेशन विंडो है बच्चों, वो स्टार्ट हो गया है 15th दिसंबर और ये चलेगा 12th जनवरी तक। 75% का क्राइटेरिया जनरल वालों के लिए है और ये 75% ओवरऑल है, मतलब ऐसा नहीं कि पीसीएम का, ओवरऑल का क्राइटेरिया जनरल के लिए, और ये सबके लिए लग रहा है, जेईई मेंस और एडवांस के लिए, अभी जैसा लिखा है उसमें, बट ये पहले भी हटा था तो इस बार भी हटने की प्रोबेबिलिटी है। 65% क्राइटेरिया है फॉर द रिजर्व्ड एससी एंड एसटी। उसके अलावा जो हमारी जस्टिस कैंपेन है, जेई 2023 की जस्टिस कैंपेन, इंस्टेंट उसको आपको रीट्वीट करना है। तो बच्चों, मैंने आप अपने ट्विटर पे, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वेरी सून इन दिस वीडियो ओनली आई एम गोइंग टू ट्वीट दिस, आप इसको पिन भी कर दूंगा, आप इसको रीट्वीट जरूर करना। जितना ज्यादा हम इसको रीट्वीट करेंगे, इससे फायदा होगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप इससे सहमत है, डेफिनेटली काफी सारे बच्चे इससे सहमत होंगे। हम्बल रिक्वेस्ट टू DGA NTA एंड मिस्टर प्रधान नरेंद्र मोदी जी, पॉइंट नंबर वन, पोस्टपोन जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट टू अप्रैल, रिमूव द 75% क्राइटेरिया एंड प्लीज रीट्वीट दिस विद दीज हैशटैग, जेई मेन 2023 इन अप्रैल, 75 गो बैक एंड जस्टिस फॉर ड्रॉपर्स। सो आई एम गोइंग टू ट्वीट दिस राइट नाउ एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू पिन दिस। तो यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ट्वीट का लिंक मिल जाएगा, तो उसको रीट्वीट जरूर करना है ना। ट्राई टू यूज ऑल पावर है ना, योर फैमिली एंड एवरीथिंग। तो यार, ये कुछ एक कंसाइज वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जेई 2023 से रिलेटेड सारी न्यूज से, जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, जो आपकी सीरीज आई हुई है, जो सारा कंटेंट आया हुआ है, इवन जेई 2022 में जो प्रिडिक्टर पेपर्स थे वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं 2023 के लिए, अगर उसमें आपको हेल्प चाहिए तो आई होप आपको पता हो कि जो हमारे यूनाइटेड स्टूडेंट्स हैं, जेई 2023 के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें स्टूडेंट्स यूनाइटेड है t.me/namochat। तो मेरे दो लिंक्स होंगे नीचे, एक तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, यू विल नेवर मिस आउट ऑन एनीथिंग। यहाँ पे 60,000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप इसको रीट्वीट जरूर कर देना। तो ये दो लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कॉमेंट में भी। इंश्योर दैट यू डेफिनेटली सपोर्ट ऑल ऑफ अस, बिकॉज आई थिंक काफ़ी मेहनत की हम सब बच्चों ने एंड टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की, एंड मैं चाहता हूँ कि यार अच्छा हो। एंड द ओनली रीजन आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो इज कि यार आप इसको शेयर कर पाओ। आई थिंक बहुत कम टाइम में आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बिन समराइज। इसमें एक होप भी है कि हम इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि पहले भी हमने चेंज किया था। अगर आपको पता हो कि यार नमो सर और आपके समीर सर ने जब एक कैंपेन रन करी थी ट्विटर पे, यू नो अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स हैपेंड एंड दिस टाइम ऑल्सो आई एम वेरी श्योर समथिंग ग्रेट विल हैपन। और हम कई बार लाइव जाएंगे टेलीग्राम पे भी, इफ़ यू कैन टॉक टू द एनटीए ऑफिशियल्स डायरेक्टली, हम वो सारी चीज़ें लाइव करेंगे आपके सामने। और सब्सिक्वेंट ट्वीट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट टाइम भी हमने जो मुहिम स्टार्ट की थी उसमें 4,000 से ज़्यादा रीट्वीट हो चुके थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया लेवल पे अगर 10,000 ट्वीट हो जाते हैं तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो यार डेफिनेटली आई एम श्योर इसको रीट्वीट आप सब लोग करोगे ना, तो ये कल ट्रेंड करेगा एंड ये उन सब तक पहुँचेगी बात जहाँ से इसका रेजोल्यूशन निकल सकता है। तो आई होप आप सब लोग हमारे साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, इस पर कॉमेंट करना, आप लोग क्या चाहते हो वो कॉमेंट में ज़रूर लिखना। और मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को एकाग्रित करना चाहता हूँ, एंड आई मीन वी विल यूज़ यू फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड वॉट एवर इज नीडेड टू बी डन इन दिस जेई 2023। आई एम श्योर थिंग्स विल बी वेरी वेरी प्रॉपर, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आपका जेई मेन है, सोचो जेई मेन की जो डेट्स रिलीज हुई है और जो नोटिफिकेशन आया उसका जो गैप है, ये आज तक का सबसे छोटा गैप है। इससे पहले 46 डेज था है ना, एंड वो तब था जब यार कोविड और ये सब आ गया था है ना, इट वॉज लाइक आई थिंक 40 to 46 डेज ऐसा कुछ था। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि यार आप लोग इसमें हमारे साथ जुड़े रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स को बताएं। सो आई मीन यू कैन प्ले योर पार्ट, आई एम वेरी श्योर ऑल थिंग्स विल बी इन योर पॉजिटिव। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वेरी सून ऑन अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल यू विल फाइंड समथिंग वेरी वेरी रिसोर्सफुल इस जंग में आपको जिताने के लिए, ठीक है। तो गेम चेंजर सीरीज को आप फॉलो करते रहना, गेम चेंजर सीरीज आपके लिए गेम चेंजिंग होगी, क्योंकि वो दो दो घंटे में आपके सारे चैप्टर्स करा रही है। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप अभी सब कुछ करो, आप सब कुछ नहीं कर सकते। वी विल गिव यू एग्जैक्टली वॉट यू नीड फॉर योर जेई मेन्स एंड एडवांस्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मतलब 4 साल की मेहनत के बाद आ रहा है। अनअकैडमी जेई ऐसे अनडिस्प्यूटेड नंबर वन चैनल नहीं है, नहीं तो 21 लाख बच्चे हमारा कभी सपोर्ट नहीं करते। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप आज डिस्टर्ब्ड हो, अगर आप आज अनरेस्ट में हो, तो मैं 10 गुना ज्यादा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आर एंटायर टीम उड़ान विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो मैसेज को हर एक के साथ शेयर कर देना, ये हर एक जेई एस्पिरेंट तक पहुंच जाना चाहिए। थैंक यू।